वेलकम टू रारा। आज मैं एक स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ। दिस इज़ ग्रेट फॉर समर्स एंड ये लोटस हर्बल्स का एक प्रोडक्ट है। दिस इज़ द वाइटनिंग सन ब्लॉक लोशन और ये इस लोशन को आप एवरी डे एज अ डे क्रीम लगा सकते हो। तो इस वक्त मैंने हल्का सा आई मेकअप किया है और अपनी स्किन पर मैंने अभी मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया, तो मैं इसको अप्लाई करके देखूंगी कि ये किस तरीके से काम करता है। ऐसे तो मैंने इसे यूज़ किया है लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो इफेक्ट है वो स्किन पर किस तरीके से आता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोटस हर्बल्स सेफ सन ड्राई टच वाइटनिंग सन ब्लॉक लोशन है। एज यू कैन सी दिस इज द पैकिंग एंड मैटिफाइंग ग्लो देता है, स्किन लाइटनिंग करता है और प्रिजर्वेटिव फ्री है। SPF 40 PA++ के साथ में आता है। UVB एंड IR UVA से प्रोटेक्शन देता है और ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। 445 का है लेकिन ये मुझे 401 रुपीज़ का पड़ा था, 401 रुपए का, क्योंकि लोटस में मुझे 10% ऑफ मिल जाता है मेरे कार्ड की वजह से। और ये है वेगन प्रोडक्ट एज यू कैन सी हियर। तो इसके बारे में जान लेते हैं। 100 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है विच इज़ वेरी गुड फॉर यू नो, अगर आप इसमें 400 रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रोडक्ट मिल रहा है। और इसके बारे में बात करते हैं। ड्राई टच वाइटनिंग सनब्लॉक SPF 40 इज़ अ हाईली इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव फ्री फॉर्मुलेशन विच कॉम्बाइंस प्रोटेक्शन फ्रॉम UVA, UVB एंड इन्फ्रेयर्ड रेज विद स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग बेनिफिट्स। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ सन इंड्यूस्ड डैमेज सच एज स्किन टैन एंड डार्क स्पॉट्स वाइल गिविंग अ यूनिफॉर्म नॉन ऑयली ग्लो टू द स्किन। सो ये जो सिंपली इसको आप यू नो रीअप्लाई कर सकते हो 2 से 3 घंटे के बाद। किसी भी सनस्क्रीन को 2 बार तो अप्लाई करना ही चाहिए डे टाइम में, तो इसको अभी हम इसको थोड़ा सा लेकर के लगाने वाले हैं। तो ये आपने देखा इतना सफिशेंट है फुल फेस के लिए और ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ में है। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हो। और मैं सबसे अच्छी चीज़ एक बता दूं कि इसको ना आप एज अ मेकअप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो, डे क्रीम के अलावा आप इस मॉइस्चराइज़र को भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसको ना ये ना बहुत ज़्यादा अच्छे से स्किन में बैठ जाता है और वाइट कास्ट नहीं देता, जैसे कि बहुत सारे सनस्क्रीन में ये दिक्कत होती है कि स्किन जो है वो वाइट वाइट हो जाती है, ऐसा इसके साथ नहीं होता, आप देख रहे हो। ठीक है, तो आप इसको खाली दिन में यू नो सिर्फ और सिर्फ एज अ डे क्रीम लगाइए और आपका फेस जो है वो ग्लो भी करेगा और इसमें जितनी सारी खूबी हैं ये आपके स्किन को ब्राइटन भी करेगा और मॉइस्चराइज भी रहेगा, क्योंकि स्किन भले ही एक बार को फेयर ना दिखे लेकिन मॉइस्चराइज बहुत ज़रूरी होता है, मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है स्किन का, क्योंकि स्किन का जो कलर है वो एक्चुअल कलर रहना चाहिए बट उसके साथ में मॉइस्चराइजेशन बरकरार रहना चाहिए। तो ये आपने देखा इतना अच्छा खासा मॉइस्चराइज है कि ये ब्राउ पेंसिल का कलर थोड़ा सा निकल गया है बट अभी ये ठीक लग रहा है और इसको एब्जॉर्ब होने में कम से कम 5 मिनट तो देने ही चाहिए और घर से बाहर या धूप में निकलने से कम 10 मिनट पहले ये वाला सनस्क्रीन आप अप्लाई करें, कोई भी सनस्क्रीन 10 मिनट पहले अप्लाई करना चाहिए। तो इसको कम से कम 5 मिनट हो गए हैं और ये स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। इसके ऊपर आप चाहें तो कोई कॉम्पैक्ट लगा लीजिए या फिर कोई भी यू नो ड्राई जो फाउंडेशन होते हैं पाउडर फाउंडेशन वो आप लगा सकते हो और आपका डे जो है वो ऑल डे ये सेट भी रहेगा एंड लेकिन टचअप में थोड़ा सा आपको फिर री अप्लाई करना पड़ेगा थोड़ा सा क्लीन करके, या फिर अपने मेकअप प्रोडक्ट के ऊपर भी आप ये अप्लाई करोगे तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच हो जाएगा इसलिए। और मुझे लगता है कि
इसी फॉर्म में ठीक रहेगा। अगर आपको ये सनस्क्रीन अप्लाई करना है तो इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि ये एक स्किन ब्राइटनिंग सनस्क्रीन लोशन है, तो ये बहुत ही अच्छा है और मेरी स्किन बहुत ही सुपर सॉफ्ट फील कर रही है, एंड यहाँ पर कोई स्टिकीनेस नहीं है, कोई चिपचिपाहट नहीं है, इसलिए भी ये अच्छा है। तो आप बिना झिझक इसे ले सकते हो। बेस्ट पार्ट है कि ये ऑल स्किन टाइप है एंड इसके अंदर है वाइट प्योनी एक्सट्रैक्ट, ओके, और इसके सभी इंग्रेडिएंट वैसे तो दिए हुए हैं, और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इसमें पैराबेन है या नहीं। लेट मी सी, इसके अंदर ग्लिसरिन है, इसके अंदर पैराफिनम है, ओके, एंड वाटर है, और पैराबेन मुझे तो नहीं दिखी, बहुत बारीकी से लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत अच्छा है समर्स के लिए, तो आप ज़रूर से ट्राई करिए, और इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगी, मैंने तो इसे स्टोर से लिया है, लेकिन अगर आपको ये ऑनलाइन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, तो आप इसका ट्राई कर सकते हो। और इसमें एक ही साइज़ आता है, मुझे तो यही साइज़ मिला था, तो इसलिए मैंने यही लिया, और इतने प्राइस में 100 ग्राम का पैक, आई थिंक ये सफिशेंट है 1 से 2 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी लगती है। तो यदि आपको ये रिव्यू समझ आया है और आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं, और आप मुझे ज़रूर से फॉलो करिए इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पर, मेरे सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में होते हैं, और आप मुझे मेरे अनदर चैनल पे मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, और मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लिया करिए कि मेरी कौन कौन से प्रोडक्ट पर वीडियोस आ गई हैं चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, अपलोडेड हैं बहुत टाइम से, लेकिन लोग उन्हें देखते ही नहीं है, क्वेश्चन कर देते हैं कि इसका रिव्यू कर दीजिए, जबकि उसका रिव्यू बहुत टाइम पहले ही मैं कर चुकी हूँ अपलोड, तो आप चेक कर लीजिए एक बार मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।